Yo bro, how are you? मतलब कमजोरी है, कमजोरी है। मैं आते हुए शायद जाम भी मिल सकता है। डेटर रखिए। So you are getting the clarity. आप भी चलो। Hey guys, this is my first vlog. तो आज मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। आपको दिखाते हैं, आज फ्रेशर्स वगैरह भी आ रहे हैं कुछ, तो आज देखते हैं क्या हो रहा है कॉलेज में। मैं गुरलीन के साथ जाता हूँ। गुरलीन अभी शिवा कॉम्प्लेक्स में वेट कर रहा है। गाइस, अभी मेरा एक फ्रेंड मिल गया था तो थोड़ा लेट हो गया। गुरलीन को मैंने 11:25 का टाइम दिया था, 11:30 यहीं पे हो चुके हैं। गुरलीन आ गया होगा, वेट कर रहा होगा वहाँ पे। जाने को मैं वैसे एक्टिवा वगैरह पे भी जा सकता हूँ, पर वहाँ पे पार्किंग वगैरह की दिक्कत आ जाती है, थोड़ा अनसेफ वगैरह है, तो इसलिए मैं पैदल ही चल जाता हूँ। वैसे मेरे घर से 5 या 6 मिनट लगते हैं मैक्सिमम जाने में, तो देखते हैं अभी वो वहीं रुका होगा। ट्राई करता हूँ कि गुरलीन से 1 या 2 मिनट पहले पहुँच के मैं वहाँ खड़ा मिलूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, वही खड़ा मिलता है 1-2 मिनट पहले। शिवा कॉम्प्लेक्स पहुँच गया हूँ, गुरलीन अभी वहाँ वेट कर रहा होगा उस साइड, कहीं सड़क के उस पार खड़ा होता है, वो रोड क्रॉस करनी पड़ेगी शायद, खड़ा होएगा वो जहाँ पर मेरा आइडिया। हाँ, वो खड़ा करना लेके आज गुरलीन अपनी, हमेशा लेट हो जाता हूँ, पता नहीं। गुरलीन सिंह, यो ब्रो, हाउ आर यू? आज व्लॉग बना रहे हैं और चलो गेट तो बंद करो फिर। तो आजकल हमें ना थोड़ा टाइम लगता है ज़्यादा, वैसे हमारी 12:40 पे क्लास है, तो पहले हम इस इधर से जाते हैं नालागढ़ से, यहाँ पे 1-2 पुल टूट गए हैं, तो अभी हम इस साइड कालका वाली साइड से जाते हैं। कालका से होते हुए बहुत रश होता है यहाँ पे, यही मिल जाएगा भी रहते हैं, यही मिल जाएगा आगे थोड़ा, बहुत जाम वगैरह लगा होता है वहाँ पे, तो देखते हैं हम मिले ना वैसे जाम, लेकिन मिल गया तो फिर लेट हो जाते हैं हम, 1 घंटा लग जाता है हमें इधर से, और इधर से हमें सिर्फ 25 मिनट्स लगते हैं पूरा यूनिवर्सिटी में पहुँचने के लिए। तो अब देखते हैं बाकी, आज फ्रेशर्स वगैरह भी आ रहे हैं कॉलेज में, तो अभी हम निकल गए हैं, और जाम भी थोड़ा बहुत ही है, इतना है नहीं आज, आज बाई चांस से कम जाम मिल गया हमें। और आज फ्रेशर्स आएंगे, जैसे कि आयुष ने बता दिया, फ्रेशर्स मैक्सिमम मेरी वीडियोस देख के आए हैं, अगर कोई मिल जाता है बहुत बढ़िया बात है, आयुष के ब्लॉग में दिख जाएगा। और क्या बताना था, और बस आज हम 5 दिन बाद जाम भी लग गया आगे, जाम देखो आगे लगी गया, लो मैं बोल ही रहा था, आज हम 5 दिनों के बाद 5 दिन बाद जा रहे हैं, इसमें 2 पहले छुट्टी मिल गई हमें, फिर 1 दिन में जाना था बट बहुत बारिश हुई हिमाचल में, तो हमें छुट्टी मिल गई, और अगले दिन 15 अगस्त था और 16 अगस्त को हमारी छुट्टी थी वैसी, और आज 17 अगस्त हो गए, 5 दिन बाद जा रहे हैं हम 5 छुट्टियों के बाद, तो काफी लग भी होगा और बहुत रश टाइप होगा कॉलेज में, क्योंकि पूरा फर्स्ट ईयर आया, फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा बच्चे हैं जितने सेकंड थर्ड ईयर में भी नहीं थे, तो भी देखते हैं कैसा माहौल होगा कॉलेज का, उस हिसाब से थोड़ा वीडियो में दिखाते हैं। तो पहले यहाँ पे भी जाम लगता था, लेकिन अब रेलवे अंडर क्रॉसिंग बना दिया, ऊपर ट्रेन जा रही है, शताब्दी है, शताब्दी दिल्ली वाली है, दिल्ली वाली है, अब ट्रेन हमारे ऊपर है, हाँ इस टाइम बिल्कुल ऊपर है। गुरलीन का तो फाइनल ईयर है, मेरा प्री फाइनल ईयर है, क्योंकि मैं एमटेक भी कर रहा हूँ साथ ही, व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ साथ ही, गुरलीन के कहने से। तो ये सीधा जाता है कालका जा रहा है, और हमने इधर से चले जाना है, यहाँ से बहुत लंबा, यहाँ पे भी एक पुल है बहुत गंदा सा, जो एक बार हम रुक भी गए थे उस पर, तो वो हिलता है वो पुल भी ना, मतलब कमजोरी है, कमजोरी है, कमजोरी है पुल, अच्छा कमजोर है, कमजोर है पुल, हिलता है ना वो जब ट्रक वगैरह आते हैं, खिलाए पिलाए नहीं है कभी, हाँ नहीं यार पुराना भी बहुत हो गया वो, लेकिन जान तो है पुल में, बाकी सारे पुल टूट गए, सिर्फ यही पुल की बारिश लग रही है मेरे को, अब अगर बारिश वगैरह तेज ना आए बस, किसी दिन नहीं वो भी टूट जाएगी, नहीं नहीं मैं नहीं करता, पुल आ गया वहाँ पे, थोड़ी लावट काफी हिलता है, हाँ। क्योंकि काफी पुराना है और ऊपर से ना इसपे इतना लोड पड़ चुका है, क्योंकि सारे ट्रक इसी रोड पे आ रहे हैं, पहले ट्रक नहीं चलते रहे इस रोड पे, नीचे नदी भी है, पानी चल रहा है ऊपर से, और इतना हाइट पे है वाला पुल कि सोच नहीं सकते, इस साइड से नीचे लग रहा है, ये काफी नीचे, इस साइड से देखो बहुत नीचे, और यही रिवर जब बारिश के दिनों में बहुत तेज हो गए, उस साइड नालागढ़ साइड वाले 1-2 पुल इसी नदी ने तोड़े हैं, बहुत तेज बहाव है, ये देखो ऐसे ऐसे ट्रैक्टर की वजह से फुल हैवी लोडेड, तभी रोक दिया, ये रोक दिया पे। अभी अगर हम बाइक में नीचे रुक गए तो हमें हिल, ये पुल हिलता है थोड़ा थोड़ा, एक बार हम रुक गए थे, एक बार हम गलती से फंस गए जाम के बीच, बहुत बुरा हाल हो गया, बीचों बीच आंसू भी रोना था, और डर गए थे हम, कह रहे थे गिर गया और दिन पानी भी जा तो बह जाएंगे, मर सकते हम, डैम में मिलते किसी में, पता नहीं किसमें मरे हुए, आगे जाके कहीं ना कहीं तो कट्ठे जाता होगा, बढ़िया यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ से भी 2 रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं, 1 राइट 1 लेफ्ट, तो राइट वाला रास्ता तो बहुत टूटा हुआ है, ये थोड़ा 1 या 2 किलोमीटर लंबा पड़ता है, लेकिन ये रास्ता ठीक है, उससे बहुत अच्छा है, 70-80% अच्छा रास्ता है उससे, और ये रास्ता आगे जाके नालागढ़ वाली रोड पर मिल जाता है, तो दिखाते हो आपको रास्ता, वो भी गुरलीन जी कट नहीं देखने को मिले आज, जिस दिन शिफ्ट होगी उस दिन दिखाएंगे आपको, खुश हो रहा है गुरलीन। तो ये आ गया
राइज हो रास्ता, उस साइड पुल टूट रखा है, बीच में काम वगैरह चल रहा है। हमने यहाँ से राइट हो जाने, यहाँ से 5-6-7 किलोमीटर 5-1 किलोमीटर ही है यहाँ से, यहाँ से ना ना कम है, 3-4 होगा। इधर बंद कर रखा रास्ता वगैरह, इधर पुल टूट रखे हैं, तो एक आते हुए शायद जाम भी मिल सकता है, क्योंकि यही से ट्रक का टाइम भी होगा ना, तो जाम ना मिले तो अच्छा, नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे आते हुए भी। क्लास ही हमारी 1 घंटा लेट होगी, और पहले 3:20 पे छुट्टी होती थी, 4:15 पे होती है। अंदर मुड़ गए चितकारा की तरफ, नानकपुर वाली साइड है, 3 किलोमीटर है नानकपुर से, और रास्ता यहाँ पे भी बड़ा अच्छा है, ग्रीनरी है पूरे इस रास्ते पे, क्योंकि गांव वगैरह है ना, तो हमारी अटल शिक्षा कुंज में है हमारी यूनिवर्सिटी, गांव क्रॉस करके नानकपुर, तो ये हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, और 2-3 यूनिवर्सिटी है यहाँ पे इकट्ठी, ये हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है पूरी। आज लग नहीं रही भीड़ इतनी, अपने कॉलेज का टैंक लड़ाई जाते थे यूनिवर्सिटी वाले, टैंक बाहर ही खड़ा रखा है, ट्रेन का इंजन सा भी खड़ा रखा है, अंदर ही दवाई डायरेक्ट है, बाहर क्यों लगा रहा आज तेरे को पता था हम भी आई पी, हमारी गाड़ी डायरेक्ट जाती है अंदर। मेन गेट पे हमारी चेकिंग भी होती है हल्की फुल्की, लेकिन हमारे बैग में होता है कुछ नहीं है, कि कॉपी होती है, तो ये अंकल अभी आज हमारी चेकिंग करेंगे, देखते हैं हमारी सीट पे कोई बैठा है आज पहले से ही। सर है, सर है। ये यूनिवर्सिटी का एक गो थ्रू मैप है, स्टॉप करके देख सकते हो आप। ओरिएंटेशन चल रही है फ्रेशर्स की, पता नहीं कुछ ये ब्लॉग से बना रहे हैं, तू ही करता और एक काम। सो गाइस हम सर्विस लोगों की क्लास लगाने आ चुके हैं, तो ये सब पता ही है उन्हें। गाइस हम शॉर्ट स्किल की क्लास लगाने आ चुके हैं, तो 12:40 पे क्लास शुरू होगी, अभी 12:40 पे शुरू होगी, 50 रोना होगी, करके दिखा, कोई नहीं और ये हमारे न्यू ब्लॉगर इंडस्ट्री के अगले छाने वाले अपने पिंजोर है, पिंजोर का ही पिंजोर का ही है, आप इसको कहीं भी मिल सकते हैं पिंजोर गार्डन में, या आपको संडे वाले दिन उधर मिल जाएगा। हमारी क्लास खत्म हो गई है, तो अब हम घर जा रहे हैं, हमने गेट पास वगैरह करवा लिया है, तो हमारे साथ प्रथमेश भी जा रहा है घर पे, तो अभी हम घर जा रहे हैं, हमारी क्लास हो गई है, अब कल देखते हैं, कल आएंगे दोबारा, अब सिक्योरिटी गार्ड पे गेट पास देना पड़ेगा। कैसी लगी क्लास आज की? बहुत मस्त भाई, बहुत मजा आया, डांस कर रहे थे हम, मतलब आयुष कर रहा था, जाम लग गया गुरलीन का इरादा, आते हुए जाम मिलेगा, आते हुए शायद जाम भी मिल सकता है, तो आगे जाम ही लगा हुआ है बहुत, थोड़ा बहुत थोड़ी थोड़ी बहुत देर देर तक चल रही है। हमारे साथ प्रथमेश भी आ रखा है, प्रथमेश ने ब्लॉक चेन ले रखी है, ये इस टाइम हमारे साथ ही आता है कभी कभी, और बाकी गुरलीन दिखाएगा अभी आपको जाम, मैं भी दिखाऊँ खुद देख लो आगे लगा हुआ जाम, और बहुत बुरा हाल है जाम के वजह से, ये ट्रक और आ गया, तो बहुत लेट हो रही है चक्कर में हम, तो अभी देखते हैं क्या हो गया, बहुत लेट हो गया, मूवी देखने भाई मूवी देखने जाना, 3:20 हो गए, निकले कितने बजे थे हम, निकले 45 पे, 2:40 पे टाइम तो लगता 2:40 पे, 40 वैसे भी टाइम लगता है यार ज्यादा, अगर यहाँ पे जाम ना होता, खाली रोड होता, अभी हम 10 मिनट में पहुंच जाते हैं, 40 मिनट में पहुंच रहे हैं बिल्कुल ना, अब तो मानता ना लेट हो रहे हैं, चले भी फिल्म देखने, चले भी फिल्म देखने, चल पक्का चल आप भी चलो जब प्लेसमेंट हो जाएगी हमारी प्लेसमेंट के टाइम पर कौन सी 3 देखने चलेंगे हम, तो वो आएगी नहीं, नहीं आएगी, पर नहीं देखने जाएंगे। फाइनली गाइस खुल गया जाम, बहुत देर के बाद 10-15 मिनट हो गए होंगे हमें खड़े हुए आराम से, तब खुला जाम, ट्रक वगैरह फंस रखे थे आगे। गाइस एक और इन्फॉर्मेशन है, अभी कह रहे थे हम कि जाम खुल गया, जाम तो आगे और लगा हुआ है, बहुत गंदा जाम लगा हुआ है, अच्छा बोल लेगा यार कुछ आते हुए कह रहा था। अच्छा तो भाई जब हम जाम में से निकल गए थे, पिंजौर पहुंच गए थे, प्रथमेश तो उतर गया था अभी, पीछे ही उतरा उसको गई पेयर वाले के पास, 2-3 मिनट में पहुंचेंगे, 1-2 मिनट में पहुंचेंगे, मैं भी 5-10 मिनट तक मैं भी घर पे पहुंचूंगा, तो खुल गया यहाँ पे पिंजौर में जाम वगैरह, बस पहुंचने वाले, बहुत देर हो गई थी जाम में खड़े हुए। भाई पिंजौर पहुंच गया मैं भी, आ गया शिव कॉम्प्लेक्स, अब मैं जा रहा हूँ, कल कितने बजे? 1 बजे, ठीक है, डन, ओके गाइस बाय।